देश के इतिहास में पहली बार तीन ट्रेन टकराई हैं एक आधुनिक युग में 2023 में। ये क्या दर्शाता है? उनको बताया गया कि सिग्नल में फेलियर आ रहा है, हर जोन से कंप्लेन आ रही है, उनको बताया गया शॉर्टेज इन मैन पावर है। उन्होंने क्या किया इसको लेकर कि हर टिकट पर 60 पैसा आप देते हैं तो उसका मुआवजा आपको 10 लाख मिलना ही होता है। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया कि मोदी जी या भाजपा को ह्यूमन लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आप कल्पना करके देखिए कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट था, एक रोते हुए पिता कैसे अपने बेटे को लाशों के बीच में ढूंढ रहे थे। हर टीवी शो पर जाकर प्रचार किए कि ये आधुनिक टेक्निक मोदी जी के राज में बनी है, इसका नाम कवच सिस्टम है और अब से कोई भी ट्रेन के बीच में टक्कर नहीं होगी। पर क्या हुआ? क्या अब एक लाइनमैन को आप नौकरी से हटा देंगे और अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लेंगे? मोरबी से लेकर बालासोर तक हम लगातार दुर्घटनाएं देख रहे हैं जिसमें ये साफ हो रहा है कि मोदी जी या भाजपा को ह्यूमन लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हर हफ्ते देखते हैं हम कि मोदी जी एक स्टेशन मास्टर की तरह हरी झंडी लेकर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, पर तेज स्पीड की ट्रेन्स को अपडेटेड ट्रैक्स पर ना चलाकर वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2023 के आधुनिक युग में हमने पहली बार देश में देखा कि तीन रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई। आप कल्पना करके देखिए कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट था कि 130 किलोमीटर की स्पीड से दो ट्रेन टकराती हैं और रेल की पटरी रेल के डब्बों को चीरती हुई ऊपर से निकल जाती है। हादसे के बाद भी हमने बहुत ही दर्दनाक फोटोज देखी। आप सबने देखा होगा एक रोते हुए पिता कैसे अपने बेटे को लाशों के बीच में ढूंढ रहे थे। एक और बहुत ही भयावह वीडियो देखा जिसमें लोगों को जानवरों की तरह, लाशों को जानवरों की तरह एक के ऊपर एक फेंका जा रहा था, जिससे ये दिखता है कि मोदी सरकार में देयर इज नो डिग्निटी इन लाइफ एंड नन इन डेथ। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक का ये बताता है कि करीब 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करीब 56 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और करीब 900 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमारे देश में लगभग 2,30,00,000 लोग हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ये सब लोग अपनी टिकट के ऊपर करीब 60 पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, जो इंश्योरेंस माना जाता है कि किसी एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाए तो मृतक को 10 लाख रुपया मिल जाए मुआवजा। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा देकर, इंश्योरेंस रूपी मुआवजा देकर खत्म हो जाती है? अकाउंटेबिलिटी खाली संवेदना प्रकट करके काम खत्म हो जाता है क्या सरकार का? अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि नहीं होगी और किस पर होगी? क्या एक लाइनमैन पर होगी या इसकी रूट में जाया जाएगा? रेल भर्ती को लेकर हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक आंकड़ा दिया था पिछले साल, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 3,30,000 वैकेंसीज है रेलवे में। इसमें से करीब 50% जो वैकेंसीज हैं वो सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर हैं। जो कल बालासोर में दुखद घटना हुई है, वहां पे उन्होंने बताया था 2022 में कि करीब 18,000 पोस्ट खाली हैं। नवंबर 2022 में रेलवे मजदूर यूनियन ने धरना दिया
बार बार गुहार लगाई कि ये वैकेंसीज भरी जाएं, क्योंकि वो लगातार ओवरटाइम काम कर रहे हैं और उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा, और ये वैकेंसीज भरना सुरक्षा को लेकर बहुत जरूरी है। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। 31 मई को, इसी बीती 31 मई को, चार दिन पहले, रेलवे बोर्ड ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द ये भर्तियां हो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी मानी जाएगी? कवच सिस्टम, आपको याद होगा कि कितना प्रचार हुआ था टीवी पर आकर कवच सिस्टम के बारे। ये कवच सिस्टम और कुछ नहीं, TCAS के नाम से जाना जाता था, जो 2012 में विकसित किया गया। TCAS मतलब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जब इसका नाम बदला गया और कवच सिस्टम किया, तो हमने देखा हमारे रेल मंत्री हर टीवी शो पर जाकर प्रचार किए कि ये आधुनिक टेक्निक मोदी जी के राज में बनी है, इसका नाम कवच सिस्टम है, और अब से कोई भी ट्रेन के बीच में टक्कर नहीं होगी। पर क्या हुआ? 2% से भी कम ट्रेन में कवच सिस्टम लगा है। ये किसकी गलती मानी जाएगी? मुझे खुशी होती कि अगर वो कम से कम 50% करके, 50% कवच सिस्टम हमारी ट्रेनों में लगाकर फिर प्रचार करते, तो मुझे उस बात की ज्यादा खुशी होती। कल आपने देखा होगा हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, जो रेल कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने बार बार केंद्र सरकार को कहा PR छोड़िए और सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बार बार केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि डीरेलमेंट की वजह से 75% एक्सीडेंट हुए हैं इंडिया में। उन्होंने बार बार कहा कि सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, कवच सिस्टम लगाइए, एंटी डीरेलमेंट डिवाइस लगाइए, ट्रैक को अपग्रेड कीजिए, अगर आपको हाई स्पीड ट्रेन चलानी है। कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका सारा ध्यान वंदे भारत में था, उनका सारा ध्यान PR में था। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कि ये कवच सिस्टम का प्रचार कर दिया पर यूज नहीं किया? एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मेरे सामने आया साथियों। ये एक सीरियस फ्लॉ इन द सिस्टम है, जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर हरिशंकर वर्मा जी, उन्होंने इसी फरवरी 8 को केंद्र सरकार को बताया कि बैंगलोर दिल्ली एक्सप्रेसवे में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट अवर्ट किया गया। वो किस तरह किया गया और वो एक्सीडेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, जिसको SCM कहते हैं, सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम, ये एक ऐसा एरर बार बार दिखा रहा है कि जब ट्रेन पटरी पर खड़ी हो तो सिग्नल सिस्टम को रेड दिखाना चाहिए, पर ये बार बार ग्रीन दिखा रहा है। और उन्होंने बताया कि ये कंप्लेंट लगभग हर जोन से आ रही है, तो इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? किसी ने की इसकी मॉनिटरिंग? क्या अब एक लाइनमैन को आप नौकरी से हटा देंगे और अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लेंगे? CAG की रिपोर्ट 2022 की कितने सारे फ्लॉज गिना देती है साथियों, वो सब आप देख चुके हैं, इसलिए उसकी डेप्थ में नहीं जा रही मैं। बट इट इज हाई टाइम दैट समबडी टेक्स अकाउंटेबिलिटी, इट इज हाई टाइम दैट वी डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, हु इज ओनली एंड ओनली अ PR मिनिस्टर फॉर द PR गवर्नमेंट। हम 10 लाख मुआवजा दे दिए साथियों, बट Nobody can replace a lost member in the family. बहुत जरूरी है इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ताकि मोरबी से लेकर बालासोर तक के इंसिडेंट्स बंद हो। जय हिंद। बिल्कुल कर रहे हैं, उनको खुद ही कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उनके सामने ये सब कुछ था, उनको बताया गया कि सिग्नल में फेलियर आ रहा है, हर जोन से कंप्लेन आ रही है, उनको बताया गया शॉर्टेज इन मैन पावर है। उन्होंने क्या किया इसको लेकर?
जितनी मेरी जानकारी है मुझे पता चला है कि हर टिकट पर 60 पैसा आप देते हैं तो उसका मुआवजा आपको 10 लाख मिलना ही होता है। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया, अपना फेलियर मान ले, अक्नॉलेज भी नहीं करते। अगर आप प्रॉब्लम को अक्नॉलेज भी नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे होगा। ये हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। सबको ध्यान है कि अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी ने कितना कवच सिस्टम को प्रमोट किया था, क्यों प्रमोट किया था अगर नहीं सक्सेसफुल वो। बीजेपी का ये कहना है कि जो इस्तीफे की मांग हो रही है, खासतौर पे कल भी शरद पवार ने भी कहा, लालू यादव जी ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने और आपने भी डिमांड की है। वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है, विपक्ष को राजनीति कर रही है विपक्ष, इस इस्तीफे की मांग पर उनका जवाब है कि पॉलिटिक्स ना हो। सबसे पहले तो अगर इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो दैट विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू द डेड। सो बहुत जरूरी है कि ये मांग हो और इसको पूरा किया जाए, क्योंकि ही हैज बीन अ मॉन्यूमेंटल फेलियर एज अ रेलवे मिनिस्टर। और ये एक अवॉइडेबल एक्सीडेंट, एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी। देश के इतिहास में पहली बार 3 ट्रेन टकराई हैं एक आधुनिक युग में, 2023 में। ये क्या दर्शाता है। हरिशंकर वर्मा जी जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर थे, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, उन्होंने बताया इस इंटरलॉकिंग के बारे और बताया कि इस सिस्टम में गड़बड़ है। तो आप फरवरी 8 से लेकर अब तक सो रहे थे, वेट कर रहे थे कोई हादसा हो, ये उनकी नॉलेज में था।